हेलो, मैं प्रोफेसर बोल रहा हूँ। आप एक बार मेरे ऑफिस चले आइए, आपसे जरूरी बात करनी है। गुड। क्या हुआ सर, आप जल्दी आओ बोल के फोन करें, क्या बात है? आपसे जरूरी बात करनी है। वो क्या? कल रात जब आप लोग सो रहे थे, मैं आपके घर आया था। जिस बात का आपको डर है वो सच है। मतलब? आपके घर में आत्मा है। आत्मा? मगर आप कल कुछ भी नहीं है बोले। मुझे डर था आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए नहीं कहा। ये देखो। मधु अपने बातों से आत्मा को बहुत हर्ट किया। ये कैसे हुआ सर? और आत्मा बदला लेते हुए मधु को मार दी। अब क्या करना डेविड जी? एक बात बताना, आपके रूम में जो अलमारी है वो कहाँ से आई? वो हमारे घर के बाजू वाले घर खाली करके जाते वक्त वो हमको देकर गए। आप लोग एक काम करो, उस अलमारा के बारे में मालूमात करो और फिर मेरे पास आओ। आप लोग जितना जल्दी डिटेल लाएंगे ना अच्छा होगा, ठीक है ना जी? ओके, ठीक है सर। ठीक है सर। जी को आप ही अलमारी बेचे? हाँ जी, वहाँ रहते वो लास्ट में है। हाँ, उन्हें। हाँ जी, वही, उनको हम ही बेचे। हाँ, वो तुम्हारे पास कैसा आई? उन्हें कहाँ रहता मालूम है तुम्हारे को? अरे छोटू, जाके इन लोगों को घर बता दे बेटा। वहाँ मिलता उन्हें। चल। ओके राइट। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं कार्तिक, ये मेरा दोस्त कृष्णा। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी, इसीलिए हम आपके पास आए। बोलिए। कुछ नहीं सर, हमारे घर में एक अलमारी है, उसकी वजह से हम बहुत परेशान हुए। आखिर में हमारे दोस्त को भी हमने खो दिया। बहरहाल वो आपकी ही बोल के मालूम हुआ, उसके बारे में अगर कुछ बताए तो आप। यस, वो अलमारी मेरे रिश्तेदारों की है। वो लोग यही घर में किराए से थे, उनके साथ बेटी दामाद भी थे। उस लड़की का नाम मेघमाला, बेहतरीन सिंगर, बट उन्हें एक सैडिस्ट था। लड़की की शोहरत को बर्दाश्त न कर सका, शक करके उस लड़की को मार के उसका गला काट के उस अलमारी में रख दिया। इट्स ए मोस्ट पिटेबल थिंग। जब से उस लड़की की आत्मा उसी अलमारी में रह गई, हाँ, उसके बाद वो लोग घर खाली करके चले गए। मैं भी कई प्रॉब्लम्स का सामना किया और बर्दाश्त न करके आखिर में उस अलमारी को पुराने सामान में बेच दिया। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसा हुआ सर? आत्मा की सारी यादें अलमारी में है, इसलिए आत्मा अलमारी में है। आत्माएं रहती हैं सर? हाँ, आत्मा है। पहले मैं भी नहीं मानता था, फिर मैंने रिसर्च शुरू किया ये प्रूफ करने के लिए कि आत्मा नहीं है। लेकिन उस रिसर्च से मुझे ये मालूम हुआ कि आत्माएं हैं। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। आज रात कैसे भी हम आत्मा को निकाल फेंकेंगे। बी प्रिपेयर्ड। गिर गई।
अलमारी गिर गई, देख 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 बाबा बाबा देखो अलमारी गिर गई। अरे अलमारी कैसा गिरी है? हाँ कार्तिक 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 देख देख अलमारी देख कार्तिक 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 बाबा देखिए देखिए कार्तिक को क्या हो गया। मेरे दोस्त आगे गोल कार्तिक कार्तिक देखिए देखिए शायद होश आ रहा है, होश में आ गया है। कार्तिक 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 उठ उठ मेरे दोस्त मेरे भाई उठ कार्तिक उठ। क्या हुआ कार्तिक? तुझे कुछ नहीं हुआ? तुझे कुछ नहीं हुआ ना मेरे दोस्त? कार्तिक मैं तो बहुत बहुत डर गया था। कार्तिक तुझे कुछ नहीं हुआ ना मेरे दोस्त? अरे मियां भाई बैठा हुआ है, तवायफ आ रही है। गली बदल लेंगे क्या? सूरता बदल ले, थेड़े भींगे कर ले। होता रे दूसरी गली से। भानावती के कुंभे किधर आए थे? बस्ती में मुजरा करने आए थे। वो बशीर भाई से मिलने आ गए थे भाई। अच्छा का जरा तेरा फोन तो दे। हेलो यस हेल्थी वेल्थी हॉस्पिटल बोलिए। आपको डेड बॉडी चाहिए क्या? कौन है आप, कहां से बोल रहे हैं? मैं एक मेहनती किलर हूँ, महीने में 30-35 लोगों को मार